हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हो आप सभी उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे आज जो आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ इससे पहले मैंने प्रायिकता तक आपको कंप्लीट करा दिया था कि आपका जो प्रायिकता से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके सेमेस्टर में जो प्रायिकता पूछी जाती है वो एक पासे से जुड़ी हुई पूछ सकते हैं या फिर दो पासे से पूछ सकते हैं साथ साथ अगर हम सिक्कों की बात करेंगे तो वहाँ पर आपसे एक सिक्के दो सिक्के और तीन सिक्के को उछालने पर क्या क्या कंडीशंस रहेंगी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना ताश के पत्तों से जुड़े हुए क्वेश्चन अभी तक तो आपके डी एड एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं और आगे भी कोई संभावना नहीं है इसलिए इतना जो रहेगा आपका जो पढ़ाया है उसको तैयार कर लो आराम से से प्रायिकता जुड़े हुए जो भी आएंगे उनको आप आसानी से कर पाएंगे आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है माध्य माध्यिका और बहुलक किसके अवर्गीकृत आंकड़ों के तो इसके लिए सबसे पहले इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं मीन मीडियन और मोड तो इनके क्या क्या सूत्र है वो देख लो माध्य निकालने का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या जो आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है वही से माध्य का होता है इसको माध्य बोल सकते हैं या एग्जाम में समांतर माध्य भी लिख करके आ सकता है तो आप क्या लगाएंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या माध्यिका निकालने की दो कंडीशन होती हैं पहली कंडीशन कि जब जो आपको आंकड़े दिए गए होंगे उन आंकड़ों में अगर पदों की संख्या एन विषम निकल के आती है तो सूत्र अलग है और पदों की संख्या सम निकल कर के आती है तब सूत्र अलग है जब पदों की संख्या विषम होगी तब माध्यिका बराबर एन प्लस वन अपॉन टूवा पद और जब पदों की संख्या सम होती है तब माध्यिका बराबर होता है एन अपॉन टूवा पद प्लस एन यहाँ पर करेक्शन करना ठीक है प्लस एन अपॉन वा पद ठीक है और अपॉन में आता है टू ठीक है इस चीज़ को करेक्ट कर लो यहाँ पर अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसके बाद आप दोनों ही सूत्र समझ गए होंगे माध्यिका के पदों को काउंट करेंगे जब सम निकल के आएगा तब ये वाला सूत्र लगाएंगे विषम संख्या निकल के आती है तब सेकेंड नंबर वाला इसके बाद आते हैं बहुलक पर बहुलक सबसे आसान चीज है यहाँ पर बहुलक क्या है कि जिस पद की बारंबारता या आवृत्ति सबसे अधिक हो वही होता है बहुलक मान लीजिए आपको आंकड़ा दिया गया है कोई भी और उस आंकड़े में आपको जो पद सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा हो वही होता है बहुलक क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको आंकड़ा दिया है सात चौदह बारह उन्नीस इक्कीस चौबीस और ग्यारह की माध्यिका ज्ञात करो आपका ये जो सेमेस्टर है इस सेमेस्टर में मैंने एक चीज देखी है कि जब भी आपके पेपर आया है मैथ्स का उसमें हर बार या तो माध्यिका पूछी जाती है या बहुलक दोनों से ही क्वेश्चन आता है समांतर माध्य बहुत कम पूछा गया है केवल माध्यिका और बहुलक ही पूछे गए हैं और क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछा गया है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी दो नंबर यानी कि ये जो टॉपिक है आपका वो तीन नंबर आपको दिलाएगा ही दिलाएगा इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना अब बात करते हैं कि जब माध्यिका निकालनी हो तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना या फिर अवरोही क्रम में उसके बाद ही सूत्र लगाना ठीक है आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो या फिर अवरोही में जब माध्यिका निकालनी हो तब और समांतर माध्य निकालना हो तब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़े की तरफ सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है सात उसके बाद आ जाएगा ग्यारह फिर बारह फिर चौदह नेक्स्ट है आपका उन्नीस इक्कीस और चौबीस यह हमारा आंकड़ा व्यवस्थित हो गया आरोही क्रम में अब क्या करेंगे हमारे पदों की संख्या कितनी है तो पद काउंट कर लो एक दो तीन चार पांच छः सात तो एन जो है यहाँ पर है एन की संख्या सात जो कैसी है विषम संख्या है तो यहाँ पर सूत्र हमारा लग जाएगा माध्यिका बराबर एन प्लस वन अपॉन टू पद एन की जगह मान रख दीजिए एन का मान कितना है सात है प्लस एक बटे दोवा पद सात और एक कितना हो जाएगा आठ बटे दोवा पद दो से डिवाइड करो दो चौके आठ तो यानी कि चारवा जो पद है वो हमारा क्या बन जाएगा माध्यिका चौथा पद है कौन सा आंकड़े में तो जब व्यवस्थित आंकड़ा किया था उसमें काउंट करो एक दो तीन चार यानी कि आंकड़ों की माध्यिका क्या हो गई चौदह तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्टीन अब ये क्वेश्चन अगर आपका आता है किसमें एम सी क्यू में तो आपको इतनी सब लंबी चौड़ी चीज करने की कोई आवश्यकता नहीं है बस क्या करना है सबसे पहले अपने आंकड़ों को व्यवस्थित कर लेना आरोही क्रम में और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको ट्रिक से बता देती हूँ अब आप करेंगे क्या एक एक काटते हुए चलिए एक पीछे से और एक आगे से ठीक है एक पीछे से काटा एक आगे से इस तरीके से ये ये और ये। अगर आपका बीच में एक ही पद बच रहा है तो वही पद क्या हो जाता है आपका माध्यिका में आए तो इसी ट्रिक से कर लेना यहाँ पर माध्यिका क्या निकल आई डायरेक्ट चौदह जब सम दिए गए होंगे तो वहां पर ट्रिक में आपको अलग बता दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन ने है आपका चार ग्यारह सोलह पंद्रह बारह पांच सात नौ और दस की माध्यिका ज्ञात करो तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा ले आरोही क्रम में रखने पर सबसे छोटा पद क्या है चार उसके बाद आ जाएगा आपका पांच उसके बाद सात इसके बाद नौ दस ग्यारह फिर बारह और नेक्स्ट आपका पंद्रह और सोलह कोई टिक करते हुए चलेंगे तो इससे आपको गलती नहीं होगी आराम से आप आंकड़ों को व्यवस्थित कर पाएंगे आप काउंट कर लो कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ यानी कि जो पद आपको दिए गए हैं वो कितने पद हैं यहाँ पर नौ पद दिए गए हैं तो और नौ पद नौ है क्या विषम संख्या तो एन बराबर नौ जो कि क्या है विषम है तो यहाँ पर माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा माध्यिका बराबर एन प्लस वन अपॉन टू व पद एन का मान यहां कितना दिया है नौ दिया गया है तो यहाँ पर कर देंगे नौ प्लस वन अपॉन टू यानी क्या हो जाएगा दस बटे दो व पद और दस बटे दो का मतलब है कि पांचवा पद पांचवा पद यानी कि पांचवे नंबर पे जो पद होगा वो हमारी माध्यिका निकल करके आएगी और इन आंकड़ों में पांचवे नंबर पे है कौन सा एक दो तीन चार और पांच यानी कि इन आंकड़ों की माध्यिका कितनी हो गई दस जो ट्रिक बताई थी उससे भी एक बार देख लीजिएगा एक आगे का काटा एक पीछे का काट देंगे फिर आगे फिर पीछे इस तरीके से और लास्ट में जो बचेगा वही क्या बन जाएगी माध्यिका आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका पांच मित्रों के भार क्रमशः चालीस के जी चवालीस के जी छियालीस के जी सैतालीस के जी और पचास के जी है उनके भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए तो भाई ये तो पहले से ही आपके में रखे हुए हैं आरोही क्रम में रखे हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं चालीस छियालीस सॉरी चालीस के बाद चवालीस था चवालिस छियालीस सैतालीस और पचास तो आपके कितने पद हैं यहाँ पर टोटल एन की संख्या दी गई है पाँच और पाँच कैसा होता है विषम होता है ठीक है तो अब क्या करेंगे पाँच में एक जोड़ के सूत लगा दो तो माध्यिका बराबर एन प्लस वन अपॉन टू व पद एन का मान कितना है छ है तो छ प्लस वन अपॉन टू व पद छ कितना हो जाएगा सॉरी छः था कह रही पाँच था यहाँ पर क्या ही कर रही हूँ मैं पाँच है तो पाँच रखेंगे यहाँ पर ऐड होके छ आ जाएगा पाँच अपॉन सॉरी पाँच प्लस एक बटे दोवा पद पाँच और एक कितना हो जाएगा छः छः बटे दोवाँ पद और भाग देंगे यहां पर तो बन जाएगा दो तीन या छः यानी कि तीसरा पद है कौन सा एक दो तीन फोर्टी सिक्स आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा और ट्रिक बताई थी ट्रिक से क्या बोला था एक आगे का काटो एक पीछे का इस तरीके से जो लास्ट में बचता है वही क्या होती है माध्य अगला क्वेश्चन है आपका विद्यालय की एक बास्केटबॉल टीम द्वारा दस मैचों में अंक प्राप्त अंक निम्नवत हैं दस अंक यानी कि इस प्रश्न में एन कितना है दस है एन है सम तो अब आपको सूत्र सम वाला लगाना होगा तो सबसे पहले इन आंकड़ों को क्या करें आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो आरोही क्रम में जब इनको रखेंगे तो हमारे आंकड़े किस तरीके से बन जाएंगे सबसे छोटा अंक यहाँ पर दिया गया है आठ उसके बाद आ जाएगा नौ इसके बाद दस काटते हुए चलेंगे तो फिर यहाँ दिक्कत नहीं होगी उसके बाद ग्यारह है नेक्स्ट है बारह और तेरह इसके बाद पंद्रह अठारह उन्नीस और बाईस काउंट भी कर सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितना हो गया आंकड़ों का मान दस है आंकड़े तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे एन इक्वल टेन जो कि क्या है सम संख्या है तो यहाँ पर आपकी माध्यिका निकल आएगी माध्यिका बराबर एन अपॉन टू व पद जब एग्जाम में करे तो डायरेक्ट मान ना रखें सबसे पहले सूत्र को लिखा करें फिर आएगा एन अपॉन टू प्लस वन पद और अपॉन हो जाएगा टू एन अपॉन टू एन का मान कितना था दस तो यहाँ हो जाएगा दस बटे दो व पद प्लस दस बटे दो प्लस वा पद ये आपका सेकेंड में भी टॉपिक था तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको कर पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा दो पंचे दस और यहाँ करेंगे यहाँ भी हो जाएगा दो पंचे दस तो आपका यहाँ मान बनेगा पांचवा पद प्लस पांच और ये कितना हो जाएगा छवा पद बटे दो पांचवा और छहवा पद कहाँ मिलेगा तो देखो एक दो तीन चार पांच और छः यानी कि बारह और तेरह तो यहाँ इक्वल लगाएंगे लिखेंगे बारह प्लस तेरह बटे दो तो कितना हो जाएगा तीन दो पांच और एक और एक दो दो से डिवाइड करेंगे दो एकम दो दो दूनी चार दशमलव दो पंचे दस तो माध्यम आपकी निकल आएगी बारह दशमलव पांच क्लियर इसमें भी ट्रिक ट्रिक बताती हूँ पीछे से एक काटा आगे से एक फिर पीछे से इस तरीके से आप काटते हुए चलेंगे लास्ट में आपके दो पद बचेंगे दोनों तो काटने हैं नहीं क्या करो जो दो पद बच रहे हैं इन दोनों पदों को हम करते हैं ऐड और ऐड करने के बाद जो भी मान निकलता है उसमें कर देंगे दो से डिवाइड ठीक है तो बारह और तेरह को ऐड करके कर देना है दो से डिवाइड जब ये एम में आए तब ये ट्रिक लगा देना फटाफट आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है चलिए इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तब आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से लिखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सात दो आठ ग्यारह पांच दस आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो तो सबसे पहले आंकड़ों को लगाइए आरोही क्रम में आपका बन जाएगा दो कौमा पांच कौमा सात कौमा आठ कौमा दस कौमा ग्यारह कितने हैं पद तो तीन तीन छ पद हैं और छह है क्या एक सम संख्या तो एन बराबर छ इक्वल क्या है सम है तो यहां माध्यिका का सूत्र लग जाएगा माध्यिका बराबर एन अपॉन टू पद प्लस एन अपॉन टू प्लस वन व पद और अपॉन में आ जाएगा टू एन का मान कितना है छः तो यहाँ मान रख देते हैं कि छः बटे दो छः बटे दो प्लस वन वा पद और अपॉन क्या हो जाएगा टू डिवाइड करेंगे तो यहाँ दो यहाँ भी क्या हो जाएगा दो तीन छः तो आ जाएगा तीसरा पद यानी कि तीन नंबर पे जो पद दिया होगा वो वाला उसमें प्लस करेंगे हम चौथा पद यानी कि चारवा पद और बटे में आ जाएगा हमारा क्या दो तो तीसरा पद है कौन सा वन टू थ्री और चौथा ये रहा तो सात प्लस आठ बटे क्या हो जाएगा दो आठ सात कितने हो जाएंगे पंद्रह बटे दो दो से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका दो सत्ते चौदह दशमलव दो पंचे दस ठीक है तो आंसर आ गया सेवन पु, सेवन पॉइंट फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं आठ दस तेरह दस ग्यारह ये दिया पूरा आंकड़ा है इसमें क्या निकालना है बहुलक निकालना है तो बहुलक का मतलब है जो भी पद सबसे ज्यादा बार आ रहा हो तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दस को देखिए एक बार दो बार तीन बार चार बार और पाँच बार जो दस का पद है वो कितनी बार आ रहा है पांच बार आ रहा है अब तेरह को भी देखो तेरह भी कई बार आया तेरह कितनी बार आया एक बार दो बार तीन बार तेरह तीन बार आ रहा है और आठ तो सीधे सीधे दो बार दिख ही रहा तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा इस आंकड़े का तो डायरेक्ट आपको लिख देना है बहुलक बराबर दस क्लियर आगे बढ़ने अगला प्रश्न क्या है आंकड़े ये दिए गए हैं इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है तो जो पर सबसे ज्यादा दिख रहा हो सबसे ज्यादा बार इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको पांच देखो एक बार आया है और यहाँ पर आया है दो बार और तीन बार इसके बाद और क्या दिख रहा है सात एक बार दो बार तीन बार और चार बार तो जो सात पद है वो चार बार आया यानी कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा इस वाले प्रश्न का बहुलक बराबर सात आगे बढ़ते हैं अगला क्या है बारह बारह तेरह बारह दस का बहुलक याद करो तो जो पद सबसे ज्यादा बार आया हो बारह को देखिए तीन बार बारह दिया गया है तो इस प्रश्न में हमारा बहुलक बन जाएगा बारह ये बहुत ही इजी होता है आप क्वेश्चन देख के बता देंगे और देखो ये तीनों ही प्रश्न आपके आए हुए हैं एक सत्रह में एक अठारह में और एक उन्नीस में अगला आपका उन्नीस में क्या आया था बारम्बारता बंटन दिया गया था इस प्रकार से और बहुलक पूछा गया था तो यहाँ पर नीचे लिखी हुई है बारम्बार था बारम्बारता का मतलब होता है कि ये जो आपके ऊपर पद दिए गए हैं इतनी बार आए हुए हैं जैसे पंद्रह कितनी बार आया है दो बार पंद्रह की बारम्बारता दो है जैसे यहाँ अगर इन पदों को देखेंगे तो बारह की बारम्बारता इसमें है कितनी तीन है तो जो पद जितनी जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही पद क्या बन जाता है बहुलक यहाँ आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है सत्रह की तो ये सत्रह ही क्या है हमारा बहुलक जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक वही पद हो जाता है हमारा बहुलक बहुलक क्या बन जाएगा सत्रह क्यों क्योंकि इसकी बारंबारता क्या थी सात थी सात सबसे अधिक है इसमें नेक्स्ट आपको जिस तरीके से दिया होगा तो यहाँ पर आप चाहें तो आरो आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें नहीं तो सीधे सीधे जो भी आपको पद दिख रहा है उसको काउंट करते हुए चलिए और बहु लोग निकाल दीजिए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या दिख रहा है छप्पन को देखिए कितनी बार आ रहा है एक बार दो बार और उसके बाद कहाँ मिल रहा है तीन बार और चार बार तो छप्पन जो है वो आया हुआ है चार बार ये अट्ठावन लिखा है लास्ट में ठीक है इसके बाद अब किसको अट्ठावन को देखो तो अट्ठावन देखिए एक बार आया दो बार तीन बार चार बार पांच बार और छह बार बाकी तो कोई पद हमें दिखी नहीं रहे अट्ठावन हमारा आया है छ तो बहुलक इस प्रश्न का क्या बन जाएगा अट्ठावन ठीक है इसी प्रकार से आप आगे के क्वेश्चन को भी करेंगे अगला है आपका क्वेश्चन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताया था डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं बताइएगा कितना आंसर आ रहा है पदों का योग बटे पदों की संख्या पदों का योग पदों का योग का मतलब है जो भी आपको दिए जा रहे हैं क्या क्या दिए गए थ्री प्लस फाइव प्लस वन प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस नाइन प्लस टू प्लस एट और प्लस सिक्स अपॉन कितने हैं टोटल पर? तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन दिए गए हैं यहाँ पर हाँ अब इनको करते हैं उठा करके ऐड तो ऐड करिएगा कितना एडिशन हो रहा है यहाँ पर पाँच तीन आठ और एक नौ नौ छह पंद्रह पंद्रह पाँच बीस हो जाएंगे और बीस और नौ उनतीस उनतीस और दो हो जाएंगे आपके इकतीस इकतीस और आठ हो जाएंगे आपके उनतालीस उनतालीस और छह पैतालीस तो आपका बन जाएगा पैतालीस बटे नौ नौ से डिवाइड करेंगे नौ पना पैतालीस तो यहाँ पर समांतर माध्य माध्य क्या निकल के आ जाएगा इस आंकड़े का पांच ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्या है आपका इसका माध्य निकालना है तो सेम उसी प्रकार से करेंगे माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या डायरेक्ट में यहाँ मान रख देती हूँ एग्जाम में जब आए तो सूत्र जरूर लिखना उसके बाद मान रखना अपना अठारह प्लस बीस प्लस पंद्रह प्लस बारह प्लस सात प्लस आठ और प्लस तेरह बटे कितना हो जाएगा कितने पद है एक दो तीन चार पाँच छ सात चलिए अब इनको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका पीछे से ऐड कर आगे से कर लो आठ का जीरो में करेंगे तो जीरो होगा और फिर आठ पाँच तेरह तेरह और दो कितने हो जाएंगे पंद्रह पंद्रह और सात बाईस बाईस दो बाईस आठ हो जाएंगे आपके और तीस तीस और तीन कितने हो गए तैंतीस तैंतीस का तीन हासिल तीन हो जाएगी तीन और एक चार पाँच छ क्या अच्छा दो को ऐड किए ही नहीं हाँ से लगी थी तीन तीन और एक चार चार दो आपके छः और एक सात हो जाएगा और आठ और नौ तो तिरानवे बटे सात आंसर आ जाएगा डिवाइड कर दो तो सात एकम सात आपका कितने दो बचेंगे तेईस हो जाएगा या इक्कीस फिर आपका एक बच सॉरी दो बचेगा फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे बीस बन जाएगा वो फिर साधु चौदह तो तेरह दशमलव दो निकल आएगा आपका समांतर माध्य ठीक है मैंने इसलिए क्वेश्चन करा दिए ताकि बाय चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से मान रख के इनको सॉल्व कर पाए लेकिन अभी तक माध्य से आपका ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है अगला आपका प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे कि जो भी बारम्बार्ता बंटन दिया गया है उसकी माध्यिका ज्ञात करो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में तब क्या करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या करना है आपको एक सेकेंड यहाँ मैं कुछ करेक्शन करना चाहूंगी चौदह जो है वो आप यहाँ पर पाँच करिएगा और यहाँ भी करिएगा पाँच। अब इसकी माध्यिका किस तरीके से निकालेंगे वो एक सम का क्वेश्चन करा देती हूँ और एक विषम का जब इस तरीके से आंकड़ा लिख के आए कि आपको मतलब बारंबारता भी दी हो कि आयु दी गई हो और विद्यार्थी जो है वो बारंबारता को दर्शा रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि इस तरीके से एक सारणी बना लेंगे जिसमें बच्चों की आयु लिखी होगी कि इतनी इतनी आयु के बच्चे हैं और साथ साथ उन विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारम्बार था तो आपको सबसे पहले कंडीशन में निकालनी होती है संचयी बारम्बार्ता संचयी बारम्बार्ता कैसे निकलती है तो पहली लाइन के सामने क्या है जो भी अंक दिया है वो लिख लो यहाँ पर चार का चार अब चार में कितना प्लस करेंगे ये वाला अंक जो यहाँ पर लिखा है तो चार में हमने पांच को ऐड किया कितना बन जाएगा पांच चार नौ इस नौ में हम पांच को ऐड करेंगे फिर कितना हो जाएगा चौदह ठीक है चौदह में छह को ऐड करेंगे कितना हो गया बीस और बीस में पांच को सही कर रहे हैं ना बीस में पांच को ऐड किया कितना हो जाएगा पच्चीस हम्म बीस में पांच को ऐड किया तो यहां पर आ जाएगा पच्चीस ठीक है जब यहां पर ऐड करोगे तो यहां पदों की संख्या कितनी आ जाएगी एन बराबर पच्चीस अब ये जो पच्चीस आपका निकल के आया है एन का मान ये कैसा है सम है या फिर विषम है तो आप देख पा रहे हो जो एन है वो क्या है विषम है इसीलिए मैंने यहाँ पर चेंज करा दिया था वरना सम संख्या निकल के आती जब विषम निकल के आया है तो क्या करूँ सबसे पहले माध्यिका का जो सूत्र विषम वाला है वही लगाइएगा तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन टू पद एन का मान कितना है तो एन का मान यहाँ पर दिया गया है पच्चीस प्लस वन अपॉन टू पद पच्चीस और एक कितना हो जाएगा पच्चीस और एक छब्बीस बटे दोवा पद दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा तेरवा पद ठीक है दो से जाएगा ये तो कितनी बार जाएगा तेरह बार तो तेरवा पद अब तेरवा पद कहाँ मिलेगा तो वो आप संचयी बारंबारता के पास जाओ तेरवा पद आपको मिलेगा किस में चौदह वाले अंतराल में और चौदह वाले अंतराल में आयु कितनी है चौदह ही है तो यहाँ पर जो माध्यिका रहेगी वो कितनी हो जाएगी फोर्टीन ठीक है तो माध्यिका भी कितनी निकल के आ गई यहाँ पर चौदह ठीक है अगर नहीं भी समझ में आया तो ये अगले क्वेश्चन से क्लियर होता है अगला क्वेश्चन क्या है आपका एक बार फिर से यही बता देते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आएगा बारंबारता भी दी गई होगी तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालेंगे बता दिया आपको जो संचयी बारंबारता का लास्ट में निकल के आता है वही बारंबारता के योग होते हैं बारंबारता का योग का मतलब है कि आपको आंकड़ों में इतने पद दिए गए हैं तो यहाँ पर पदों की संख्या निकल के आ रही है विषम जब पदों की संख्या सम या विषम निकल के आ जाएगी आपके पास तब आप माध्यिका का जो सूत्र आपने पढ़ा है वही लगा दीजिए जब आप सूत्र लगा देंगे तो लास्ट में आपको इस तरीके से मान निकल के आता है तेरहवा पद हो गया या पाँचवा पद हो गया तो जो पद निकल के आएगा उसको आप संचयी बारंबारता में जाके देखेंगे कि वो कहाँ मिलेगा चौदवा पद आया था यहाँ पर तो चौदा पद किस में मिलेगा आपको उसकी सीध में जो भी वहाँ पर आपको पद दिया गया होगा वही पद हो जाती है माध्यिका ठीक है आगे आते हैं अगले प्रश्न पर निम्नलिखित सारणी में चालीस छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है माध्यिका ज्ञात करो तो यहाँ पर एन है क्या एन है चालीस विषम सॉरी सम संख्या है एन यहाँ पर तो संचयी बारंबारता सबसे पहले इस कंडीशन में निकाल लेते हैं इसके आगे तो चार ही लिखेंगे आठ चार हो जाएगा बारह बारह और बारह हो जाएंगे यहाँ पर चौबीस चौबीस और छः हो जाएंगे आपके तीस और तीस और दस हो जाएंगे चालीस अब सूत्र क्या लगेगा माध्यिका बराबर सेम वही सूत्र एन अपॉन टू व पद प्लस एन अपॉन टू प्लस वन व पद और अपॉन कितना आ जाएगा टू एन का मान रख दीजिएगा यहां पर एन का मान है कितना चालीस बटे दो वा पद प्लस चालीस बटे दो प्लस वन वा पद और बटे कितना हो जाएगा टोटल बटे दो डिवाइड कर दो तो दो से ये जाएगा बीस बार और दो से ये जाएगा इक्कीस बार सॉरी इक्कीस कह रही हूँ बीस बार ही जाएगा ऐड कर देती हूँ मैं मतलब एक थोड़ा स्टेप आगे ही चल जाता है आपका चलो यहाँ पर रहेगा बीसवा पद प्लस ये हो जाएगा अब होगा जाके इक्कीस बी, बीस और एक कितना हो जाएगा इक्कीसवा पद ठीक है अपॉन कितना हो जाएगा टू अब ये बीसवां पद कहाँ मिलेगा तो संचय बारंबारता में जाओ यहाँ तो बारह तक ही स्टॉप हो रहे हैं कहाँ मिलेगा बीसवा पद इस चौबीस वाले में मिलेगा इसी में आपको बीसवा पद भी मिलेगा और इक्कीसवां पद भी मिलेगा अब इसके आगे क्या मान दे दिया गया है आपको कितनी आयु मिल रही है चौदह आयु मिल रही है ना तो बस ये बीसवा पद भी हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर चौदह और इक्कीसवा पद भी कितना है चौदह चौदह में चौदह ऐड करें कितना हो जाएगा अट्ठाईस बटे दो दो से डिवाइड करें कितना आ जाएगा मान चौदह तो आपकी जो माध्यिका निकल के आएगी वो इस प्रश्न की भी कितनी निकल के आ गई है चौदह ही निकल के आई है ठीक है चलो तो फिर आज हम इतना ही रखेंगे उम्मीद है कि आपको माध्यिका और बी ए माध्य समझ में आ गई होंगे ऐसा क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया था 2020 में इसलिए मैंने करा दिया वैसे जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मल ही आते हैं सीधे सीधे आंकड़ा दिया हो गया अवर्गीकृत वाला वहीं से क्वेश्चन आएगा आपका सूत्र को ध्यान रखना ये सूत्र यहाँ पर करेक्ट कर लेना जो मैंने आपको करा दिया है और बाकी तो क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाले थे ताकि आपको पैटर्न समझ में आता रहे कि मेरे एग्जाम का पैटर्न रहता कैसा है क्वेश्चन का चलिए तो फिर मिलेंगे फिर आपको अगली क्लास में अपने दोस्तों को शेयर करते रहा करो क्लास से जिससे नए बच्चे जुड़ते रहा करें थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बब्बाई टेक केयर